हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू आल ऑफ़ यू दिस इज़ पूजा डियर इस्पायरेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं ई एम आर सी पी सी टी बायोलॉजी का मॉडल पेपर थर्ड ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं मॉडल पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर सेकेंड मॉडल पेपर सेकेंड में हम लोगों ने टू पार्ट्स में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है पी के साथ साथ जिन लोगों ने ई से टी बायोलॉजी से फॉर्म भरा है उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है सो so, गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और हम आपके साथ तब तक खड़े हैं जब तक आपका ई एम आर एस का पेपर हो नहीं जाता है तब तक हम आपके लिए मॉडल पेपर्स एंड इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी विजिबल होगा आपको चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इन प्रो कैरियोटिक सेल्स द सेल वॉल इज मेडअप ऑफ प्रो सेल्स मीन्स बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है तो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है सेलुलो से म्यूकोपेप्टाइड से काइटिन से या फिर ऑल ऑफ थ्री सेलुलो से मोस्टली जो हायर प्लांट्स हैं एलगी से लेके जिम्नो इंजोस्पोम तक जितने आपके प्लांट्स हैं उनमें आपको सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल देखने को मिलेगी सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड्स से, है एंड काइटीन आपको मेनली फंजाई में इसके साथ साथ अगर एनिमल किंगडम में बात करें इनवर्टिब्रेड्स की तो आर्थरोपोर्स में भी आपको काइटिन की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी ठीक है तो अगर हम बात करें सेल वॉल की तो बैक्टीरिया में सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी कहते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनेटिक मटेरियल डीएनए विदाउट हिस्टोन इज फाउंड इन विदाउट हिस्टोन के जेनेटिक मटेरियल किसमें देखने को मिलता है क्लोरेला कोलाई पॉलीसाइफोनिया या फिर नैविकूला तो निक्केट डीएनए हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है है ना निक्केट डीएनए यानी कि हिस्टोन प्रोटीन अप्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक इसमें हमारा क्या है दैट इज़ इस स्टीरिया जो कि एक बैक्टीरियल सेल है एंड अगर बात करें क्लोरेला की क्लो, क्लोरेला पॉलीशाइफोनिया नेविकुला तो ये आपकी एल्गी हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी इस चीरिया कोलाई में जो डीएनए है वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स के प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं ठीक है थीके? इसके हम जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ राइबोसोम्स इन साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में राइबोसोम किस टाइप का प्रेजेंट होता है तो साइनोबैक्टीरिया क्या है ये आपके प्रोकैरियोट्स हैं प्रोकैरियोट्स हैं है ना ब्लू ग्रीन एलगी तो ये साइनोबैक्टीरिया में राइबोसोम कैसा प्रेजेंट होता है हंड्रेड एस टाइप का एट्टी एस टाइप का सेवेंटी एच टाइप या फिर फिफ्टी एस टाइप फिफ्टी फाइव एस टाइप तो हंड्रेड एस टाइप का तो नहीं होता है हमारे पास राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं एट्टी एस टाइप एंड सेवनटी एस टाइप एट्टी एस टाइप राइबोसोम यू कैरोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं एंड सेवेंटी एस टाइप के राइबोसोम प्रो कैरोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं इसके साथ साथ जो एनिमल माइक्रोकॉन्ड्रिया है एनिमल माइट्रोकॉन्ड्रिया इसमें फिफ्टी एस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यानी कि यहाँ पर प्रो कैरियोटिक यू कैरियोटिक सेल की बात हो रही है ठीक है यू कैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है उसमें राइबोसोम फिफ्टी फाइव एस टाइप का होता है क्लियर तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी साइनोबैक्टीरिया या प्रो सेल में सेवेंटी एस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है राइबोसोम की डिस्कवरी पैलाडे ने की थी इसलिए हम इन्हें पैलाडे ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन मीजोसोम्स आर फाउंड इन मीजोसोम्स क्या हैं जो बैक्टीरियल सेल है ठीक है बैक्टीरियल सेल में ये इसकी सेल वॉल प्रेजेंट है एंड इसके अंदर इसका ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो सेल मेम्ब्रेन की जो इनर फोल्डिंग होती है इसी को हम मीसोसोम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग को मीसोसोम कहते हैं और मीसोसोम का फंक्शन रिस्पायरेशन में होता है क्योंकि यहाँ पे सम रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो मीसोसोम कहाँ प्रेजेंट हैं फंजाई, साइनोबैक्टीरिया एलगी या फिर वायरस तो प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर क्या है दैट इज साइनोबैक्टीरिया तो मीसोसोम प्रेजेंट हैं साइनोबैक्टीरिया में फंजाई आपके यू हैं एलगी भी आपके यू कैरियोटिक हैं एंड जो वायरस हैं ये प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक के बीच की कनेक्टिव लिंक है यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स की बीच की कनेक्टिव लिंक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल वॉल ऑफ यू कैरियोटिक सेल्स इज मेनली मेडअप ऑफ यू कैरियोटिक सेल और सेल वॉल कैसी बनी है यानी कि हायर प्लांट्स की बात हो रही है लाइक एलगी टू एनजियोस्पोम तो इनमें हमें सेल वॉल सेलुलोस की बनी होती है ठीक है इनमें सेल वॉल सेलुलोस की बनी होती है सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेना आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया पेरॉक्सीसोम्स इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन क्लोरोप्लास्ट ग्रेना कहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपको मिलेंगे कहाँ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन इज अप ऑफ किसी भी लिविंग सेल का करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स क्या है सेल मेम्ब्रेन अगर वो लिविंग सेल है तो चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ठीक है तो ये इसका एक यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स है सेल का लिविंग सेल का तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे बनी होती है ओनली प्रोटीन से लिपिड से सेलुलोज से या फिर हेमी सेलुलोज से सो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स से जो सेल मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड्स की बनी होती है फास्फो लिपिड्स की बाई लेयर ठीक है फास्फो लिपिड्स फास्फो लिपिड्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी लेसिथिन लेसिथिन याद रखेंगे अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे लेसिथिन किसका कंपोनेंट है तो ये है आपका फास्फोलिपिड्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है अगला क्वेश्चन है द मिडिल लेमिला ऑफ द सेल वॉल इज मेड मिडिल लेमिला किसका बना हुआ होता है दो जो एक प्लांट सेल है सपोज करिए ये प्लांट सेल है और ये प्लांट सेल की सेल वॉल है ठीक है तो प्लांट सेल वॉल में आपको देखने मिलेंगी प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल ठीक है एंड टर्सरी सेल वॉल तो इन सेल वॉल्स के बीच में क्या प्रजेंट होता है मिडिल लेमिला प्रजेंट होता है और ये आपकी एडजेसेंट दूसरी सेल है ठीक है ये आपकी एडजेसेंट दूसरी सेल है और ये इसकी सेल वॉल है ठीक है तो प्राइमरी सेल अंदर की तरफ होती फिर ये आपकी सेकेंडरी सेल है और ये आपकी टर्सरी सेल लेयर है ठीक है सेल वॉल की तो जो सेल वॉल है उसमें थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती हैं प्राइमरी लेयर सेल वॉल की सेकेंडरी लेयर सेल वॉल की एंड टर्सरी लेयर ऑफ सेल वॉल की तो इन दो सेल्स के बीच में इस तरीके से लेमली प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम मिडिल लेमली कहते हैं तो ये मिडिल लेमली किसकी बनी होती हैं कैल्शियम पैक्टेट की प्रोटीन्स की सेलुलोस की या फिर हेमी सेलुलोज़ की सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती हैं कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती हैं मिडिल लेमली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज यहाँ पर प्रो कैरियोटिक सेल की सिमिलर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कैसी है प्रो कैरियोटिक सेल से ही ये इवॉल्व हुई है ठीक है तो उसके बेसिस पर आप बताएँगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल का राइबोसोम है वो कितने टाइप का है सेवेंटी एस एट्टी एस हंड्रेड एस या फिर फिफ्टी फाइव एस तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए के हुए प्रेफरेंस देंगे ठीक है क्योंकि जो 55s फाइव है ये मोस्टली हमें एनिमल सेल्स की माइक्रोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है अगर प्लांट की माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो फिर आपको सेवनटी टाइप का ही देखने को मिलेगा तो यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आप सबसे पहले सेवनटी टाइप पर ही जाएंगे चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडिसमेटा आर फाउंड इन। प्लाज्मोडिस्मेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस इन क्लोरोप्लास्ट इन द सेल वॉल तो प्लाज्मो क्या होते हैं सपोज करिए ये आपके पास दो प्लांट सेल हैं तो दोनों सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन है उसके लिए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है दोनों सेल के बीच में उस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडिसमेटा ठीक है इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं प्लाज्मोडिसमेटा प्लाज्मोडिसटा दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशंस के लिए साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूड है उसके एक्सचेंज में एक्सचेंज के लिए पाथवे प्रोवाइड करते हैं ठीक है चैनल्स बनाते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं प्लाज्मो डिसमेटा कहते हैं तो ये प्लाज्मो डिसमेटा कहाँ प्रेजेंट है सेल वॉल में ठीक है कहाँ प्रेजेंट है इस तरीके से सेल वॉल को एक सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल में ऐसे कनेक्ट करते हैं आई होप यू आर अंडरस्टैंड तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियोसोम आर नॉट फाउंड न्यूक्लियोसोम जब डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैपिंग होती है ठीक है उस समय क्या बनता है न्यूक्लियोसोम? इन वॉलवॉक्स, ई कोलाई क्लोरेला या फिर पोलीसाइफोनिया तो न्यूक्लियोसोम कहाँ पर नहीं प्रेजेंट हैं तो ई e. कोलाई में न्यूक्लियोसोम नहीं प्रेजेंट होंगे क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है ठीक है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोसोम नहीं बनेंगे तो न्यूक्लियोसोम यहाँ अपसेंट होते हैं सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चलिए अगला क्वेश्चन डी एन ए इज फाउंडिंग डी एन ए कहाँ प्रजेंट होता है तो सिंपल सी बात है न्यूक्लियस में लेकिन आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे इन क्लोरोप्लास्ट माइट्रोकॉन्ड्रिया या फिर इन ऑल थ्री तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा न्यूक्लियस के पास भी अपना डीएनए है क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए है और माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है ठीक है तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर करेक्ट इज सी जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया हैं ये दोनों ही ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनलिस कहलाती हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का जीनेटिक मटेरियल होता है खुद का इनका जीनोम है जिससे ये कुछ हद तक अपनी प्रोटीन्स का खुद से फॉर्मेशन कर सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को भी शो करते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है क्लोरोप्लास्ट में साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर ऑल ऑफ दिस तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ कहाँ हो सकती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है एंड प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म साइटोप्लाज्म में भी होती है इसके साथ साथ अभी हमने बताया कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है तो वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना लेगा ठीक है और आरएनए से वो क्या करेगा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर लेगा तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्स आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनली सेल में वो कौन सी ऑर्गेनली है जो सबसे लार्जेस्ट है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट या फिर नन ऑफ देम सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेल की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और ये एनिमल सेल में अप्सेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियोसोम्स आर फाउंड न्यूक्लियोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस बहुत सिंपल क्वेश्चन है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपसे सिस्टोलिथ के बारे में पूछा गया है ठीक है सिस्टोलिथ तो जो बनाना या फाइकस हैं उनकी लीव्स में सिस्टोलिथ प्रेजेंट होते हैं जनरली आपने देखा होगा कि सपोज ये आपकी फाइकस की लीफ है तो इस फाइकस की लीफ में कुछ इस तरीके से उभार देखे होंगे आपने ठीक है दानेदार स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या कहते हैं सिस्टोलिथ कहते हैं ठीक है तो ये सिस्टोलिथ किसमें प्रेजेंट होती हैं सॉरी ये सिस्टोलिथ किसकी बनी होती हैं प्रोटीन्स की कैल्शियम कार्बोनेट की या फिर कैल्शियम ऑक्सीट की या फिर बी एंड सी बोथ बताइए तो, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं लेकिन अगर कैल्शियम ऑक्सीट की बात करें तो ये ग्रासेस में ग्रास की लीफ में आपको देखने को मिलेंगी आपने देखा होगा जो ग्रास की लीव्स होती हैं वो रफली होती हैं उनमें ग्रीटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो उनकी वो जो ग्रीटी सेल्स हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सीट स्टोर होता है तो कैल्शियम ऑक्सीट आपको ग्रास की लीव्स में देखने को मिलेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आर फाउंड इन डेहेलिया डेहेलिया में क्या प्रेजेंट होता है कार्बोनेट क्रिस्टल्स कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सीट या फिर इनुलीन क्रिस्टल्स जो डेहेलिया होती है इसके रूट से इंसुलिन के क्रिस्टल्स आइसोलेट किए जाते हैं तो डेहेलिया में क्या प्रेजेंट होता है इनुलिन क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स किसी भी लिविंग सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रजेंट है ठीक है तो हम इसे क्या कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड या इसको हम सीनो सीनोसिटिक कंडीशन भी कहते हैं इसे सीनोसिटिक तो आपको बताना है यहाँ पर किस एलगी में सीनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है और में क्लेटोफोरा में क्लोरेला में ठीक है क्लोरेला में या फिर इस्पायरोग में या फिर इस्पायरोरा में सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी क्लेडोफोरा में जो सेल्स से हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट राइबोसोमल डीएनए एन ए इज़ फाउंडेड राइबोसोमल या आर डीएनए एन कहाँ देखने मिलता है इन द न्यूक्लियस इन द देंट्रियोल इन गोल्जी बॉडी या फिर इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ये राइबोसोमल यू कैन से दिस इज आर डी एन ए आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियस में नहीं न्यूक्लियोलस प्लीज करेक्ट दिस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस में देखने को मिलेगा और न्यूक्लियोलस आ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से यानी कि न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है ये आमम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यूक्लियस जेनेटिक कंट्रोल इट वाज यूज्ड एक्सपेरिमेंट इन किसने एक्सपेरिमेंट किया था किस प्लांट्स पे और उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है ये जेनेटिकली कंट्रोल करता है ऑल ओवर चीज़ों को ठीक है तो ये एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे परफॉर्म किया गया था पाइसम एसिटाबुलम न्यूरोस्पोरा या फिर ड्रोसोफिला सो so, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूरोस्पोरा। नहीं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज एसिटाबुलेरियम, ठीक है एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया ग्रेनुलोसा में एसिटाबुलेरिया ग्रेनूलोसा ग्रेनुलोसा में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो न्यूक्लियस है वो जेनेटिकली कंट्रोल करता है ठीक है केंद्रक आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमेटिन नेटवर्क इज फाउंड इन क्रोमेटिन नेटवर्क कहाँ से देखने मिलेंगे आपको तो ये आपको सेल डिवीजन के दौरान प्रोफेज स्टेज में देखने को मिलेंगे ठीक है क्योंकि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको प्रोफेज में देखने को मिलेंगे तो जो क्रोमेटिन है ये एक्चुअली क्या होते हैं आर एन ए डी एंड प्रोटीन्स या फिर आर एंड प्रोटीन्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डीएनए एंड प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स ठीक है हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर तो जो क्रोमेटिन है ये डीएनए एंड प्रोटीन्स के बने थ्रेड लाइक नेटवर्क होते हैं ये प्रोफेज स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियोसोम आर मेड अप ऑफ जो न्यूक्लियोसोम है किससे बने होते हैं डीएनए से आरएनए प्रोटीन से ओनली हिस्टोन प्रोटीन से या फिर डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से तो करेक्ट आंसर दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी ठीक है हिस्टोन प्रोटीन से इसके साथ साथ आप यहाँ पर आरएनए भी इन्वॉल्व होता है ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए होना चाहिए चलिए नेक्स्ट डी एन एज वॉल्यूम इज़ हाई जो डी का कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा किसमें देखने मिलेगा टि में हिट्रोक्रोमेटिन्स में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर न्यूक्लियोलस में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिट्रोक्रोमेटिन्स में ठीक है? हिट्रो हिट्रोक्रोमेटिन्स में डीएनए का कंटेंट ज्यादा होता है इसीलिए ये आ, डार्क दिखाई देता है एंड यू क्रोमैटिज में डीएनए का अमाउंट कम होता है इसलिए ये लाइट दिखाई देता है ड्यूरिंग स्टैनिंग जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे क्लियर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैरोटिक इज डी एन ए फाउंड इन क्रोमोसोम जो यू कैरोटिक डीएनए है इसके क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है जो यू कैरोटिक क्रोमोसोम है इसमें डी एन ए किस टाइप का प्रेजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एंड लाइनियर या फिर सिंगल स्टैंडर्ड या लाइनियर तो हम सभी लोग जानते हैं यू सेल में डी कैसा प्रजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड है ना डबल स्टैंडर्ड एंड लाइनियर डबल स्टैंडर्ड एंड लाइनियर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन म्योसिस डिवीजन इज फाउंड इन द डिप्लोटीन स्टेज सेल डिवीजन के दौरान जब म्योसिस होता है तो डिप्लोटीन फेज जो है ये कहाँ देखने को मिलती है मेटाफेज में प्रोफेज में एनाफेज या फिर नन ऑफ देम तो डिप्लोटीन स्टेज कहाँ देखने को मिलेगी म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ठीक है प्रोफेज फर्स्ट में आपको फाइव सब स्टेटस देखने को मिलेंगी दैट इज लिप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ठीक है तो ये आपको स्टेजेस देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग प्रोफेस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स अकर्स इन म्योसिस म्योसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है पैकेटीन स्टेज में ठीक है सिंपल चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन न्यूक्लियर डिवीजन द सेंट्रोमियर डिवाइड्स इन टू जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होता है ठीक है कैरियोकाइनेसिस हो रहा होता है उस समय सेंट्रोसोम कहाँ पर डिवाइड होते हैं एनाफेज में मेटाफेज में प्रोफेज में या फिर टीलो में सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज में सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाते हैं और मेटाफेज में ही जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बार आई पोजिशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम में ठीक है ड्रोसोफिला में बार नेत्र जो इफेक्ट होता है पोजीशन इफेक्ट ये किस गुणसूत्र का उदाहरण है गुणसूत्र में क्या चेंजेस होते हैं तो गुणसूत्र क्या डुप्लीकेशन हो जाता है या उसमें डिलीशन होता है या फिर ट्रांसलोकेशन या फिर इन्वर्जन हो जाता है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ड्रोसोफिला की बार आई के पोजिशन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्रोमोसोम में क्या होता है कि डुप्लीकेशन हो जाता है जीन का वहां पर डुप्लीकेशन हो जाता है जिससे बार आई पोजिशन इफेक्ट देखने को मिलता है सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडल वर्कड ठीक है मेंडल ने किस पर वर्क किया था स्वीट पी गार्डन पी काउ पी या फिर नन ऑफ दि सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो मेंडल थे उन्होंने जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट उन्होंने गार्डन पी पर किया था नेक्स्ट क्वेश्चन डोमिनेंट कैरेक्टर वाज द यूज ऑफ द मेंडल हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए मेंडल एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे है ना जिन्होंने जेनेटिक की फील्ड में बहुत ही मेहनत किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन से डोमिनेंट करेक्टर्स यूज किया था एक्जिजल पोजिशन ऑफ फ्लावर ग्रीन पॉड रिंकल्ड सी या फिर नन तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर करने की कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जो ग्रीन फॉर्ड था ये इसका डोमिनेंट करेक्टर था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान सेवन करेक्टर्स लिए थे ठीक जिस है जिसमें से थ्री कैरेक्टर्स कलर बेस्ड थे ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है एग्जियल पोजिशन ये आपकी रेसेस्िव थी एंड रिंकल्ड सीड ये भी आपकी रिसेसिव थी यानी कि जिससे अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल रहा था उनको उन्होंने रेसेशिव कहा और जिन करेक्टर्स से अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा था ठीक है उन्हें उनको उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहा था तो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर बी ग्रीन पॉल्ड तो आपको डोमिनेंट एंड रेसेशियो करेक्टर्स से लेकर क्वेश्चन याद रखना है चलिए नेक्स्ट इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ प्योर होमोजाइगस एंड हाइब्रिड हेट्रोजाइगस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वॉच अगर आप प्योर होमोजाइगस को हेट्रोजाइगस के साथ हाइब्रिड करवाएंगे ठीक है होमोजाइगस को हेट्रोजाइगस के साथ फर्टिलाइज़ कराएंगे तो आपके पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आएगा ये आपको बताना है नाइन रेशियो वन वन रेशियो वन नाइन रेशियो सेवन या फिर नाइन वन रेशियो टू करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वन रेशियो वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का रेशियो क्या है वन रेशियो टू रेशियो वन नाइन रेशियो थ्री रेशियो फोर या फिर नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन या फिर नाइन रेशियो सेवन तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स का रेशियो तो आता है आपका नाइन रेशियो सेवन ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आप रेशियो याद कर लीजिए जैसे आपके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेशियो ठीक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के डाई हाइब्रिड क्रॉस के इन सभी के आप रेशियो याद कर लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या रेशियो होता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो है आपका वन रेशियो टू रेशियो वन नेक्स्ट क्वेश्चन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज़ यूज्ड इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था ठीक है कार्ल कोरेंस ने 1909 में एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था साइटोप्लाज्मिक हेरिडिटी के बारे में तो उन्होंने किस प्लांट पर ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो आपको बताना है पाइसम सटाइवम मिराविलिस जलापा जिसे हम फोर ओ क्लाक भी कहते हैं या इवनिंग प्रिमरोज भी इसी को कहते हैं क्लोरेला बुलगेरिस या फिर लेथायरस ओडोरेटस सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिराविलिस जलापा पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो लीफ के क्लोरोप्लास्ट में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिडिटी को एक्सप्लेन किया था क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन दिस सेशन। द क्रोमोसोम विथ लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स किस क्रोमोसोम पर सबसे कम जीन्स प्रजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम एक्स एंड वाई क्रोमोसोम या फिर बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाई क्रोमोसोम जिसे हम होलेंड्रिक भी कहते हैं ठीक है तो वाई क्रोमोसोम में सबसे कम क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आज के सेशन के ये थे थर्टी फाइव टोटल क्वेश्चन तो आई होप आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट किया होगा और ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं जो टी, टी जी टी पी जी टी जी आई सी एंड एल टी इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं सो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच एवरीवन